नमस्कार। नाउ गो बैक टू यूरोप, इंग्लैंड, लिस्टानीज इन कैनेडा टेल कैनेडियंस टू लीव द कंट्रीज। अभी देखिए, ये न्यूज जो है बहुत ही ट्रेंड कर रहा है। ये सारे न्यूज चैनल अभी से इस टॉपिक पे अभी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक वीडियो जो है वो रिलीज किया गया है, यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है कनाडा में। यहाँ खालिस्तानी जो है यहाँ मार्च कर रहे थे, और वो जो ब्लॉगिंग किया गया है, वो वीडियो जो आया है, उसमें बोला जा रहा है कि यहाँ कैनेडियंस में सिर्फ यहाँ खालिस्तानी ही लोग रह सकते हैं, बाकी जो यूरोप इंग्लैंड जो गोरे लोग वो वापस चले जाए यूरोप इंग्लैंड, ये सिर्फ खालिस्तानी का कंट्री है। इसी बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। खालिस्तानी चरमपंथियों ने अब कनाडा के लोगों को बनाया निशाना, कहा यूके और यूरोप वापस जाओ। वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या कहा है। खालिस्तान समर्थक और अलगावादी जो पहले भारत को निशाना बना रहे थे, अब कनाडा के सफेद नागरिकों को अपना नया दुश्मन मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक कथित खालिस्तान समर्थक कनाडा के नागरिक को आक्रमणकारी कहता है और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप वापस जाने के लिए कह रहा है। ये वीडियो है, वीडियो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, 2 मिनट का वीडियो है। तो वीडियो आपने देखा, जहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ ये जो है खालिस्तानी का देश है, यहाँ से आप बोरे जो यूरोप चले जाएं, जो वहाँ रह रहे हैं उन लोगों को बोलता है वहाँ चले जाएं, जिनका अपना खुद का देश है। तो सोचिए, इस हद तक खालिस्तानियों का यहाँ पे जो है हिम्मत बढ़ चुका है, क्योंकि वहाँ का जो सरकार है टूडो सरकार, वो कुछ कह ही नहीं रही है, वो कुछ कर ही नहीं रही है वहाँ के लोगों के लिए। जुलूस के दौरान शूट किया गया वीडियो, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर एक्सपर्ट 2 मिनट के वीडियो को यहाँ पे देख पाएंगे। कथित तौर पर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सारे इलाके में एक नगर कीर्तन जुलूस के दौरान शूट किया गया था। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कई लोग जुलूस में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि पीछे से कोई गाना बजा रहा है। इस दौरान कुछ लोगों को खालिस्तान के तथाकथित झंडे लहराते हुए भी देखा जा रहा है। वहीं इस वीडियो को बनाने वाले शख्स ने लाइक्स और शेयर की मांग करने के साथ ही भड़काऊ नारे भी लगा रहा है। उसे वीडियो में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि सफेद लोग आक्रमणकारी हैं और हम कनाडा के असली मालिक हैं। इसके बाद वो सफेद कनाडाई नागरिकों से इंग्लैंड और यूरोप वापस जाने की बात कर रहा है। एक्स पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। वो आगे कहता है कि ये कनाडा हमारा देश है, आप वापस जाओ। इस जुलूस का वीडियो एक्स पहले ट्विटर पर डेनियल बोर्डमैन नाम के एक यूजर ने पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि खालिस्तानी सरे में मार्च करते हुए दावा करते हैं कि हम कनाडा के मालिक हैं और सफेद लोगों को यूरोप और इसराइल वापस जाना चाहिए। हम इन मूर्खों को अपनी विदेश नीति तय करने की अनुमति कैसे दे रहे हैं? बयान से उठे सवाल। ये घटना न केवल कनाडा के सामाजिक ताने बाने बल्कि इसकी राजनीति पर भी असर डाल रही है। अलगाववादियों द्वारा दिया गया बयान विवाद का नया कारण बन गया है। यह मुद्दा नागरिकता और अधिकारों के संदर्भ में इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या अलगाववादियों ने कनाडा में अपनी पहचान और विचारधारा को लेकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया है, या फिर यह बयान कनाडा के बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक समाज के खिलाफ है। तो मालूम होगा कि 3 नवम्बर को जो है यहाँ पे हिंदू मंदिर में अटैक किया गया था, हिंदू लोगों को हिंदू मंदिर में रद्द किया काउंसिल कार्यक्रम। उत्तेजक मार्च इस हफ्ते की शुरुआत में हुई एक हाई प्रोफाइल घटना के बाद हुआ है, जहां ऑन्टेरियो के ब्रैम्पटन त्रिवेणी मंदिर ने हिंसा विरोध प्रदर्शन के उच्च और आसान खतरे के कारण भारतीय वन्य दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। मूल रूप से 17 नवंबर के लिए निर्धारित काउंसलर जीवन प्रमाण पत्र कार्यक्रम भारतीय पेंशन भोगियों की सेवा के लिए था। हालांकि पील क्षेत्रीय पुलिस की चेतावनी के कारण मंदिर के अधिकारियों ने भक्तों और जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इसे रद्द कर दिया है। हमें ब्रैम्पटन त्रिवेणी मंदिर के भक्तों, समुदाय को, अंगतुकों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रद्द करने का उचित निर्णय लेना चाहिए। मंदिर के अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि उन्होंने आगे कहा, हमें बहुत दुख है कि कनाडा के लोग अब कनाडा के हिंदू मंदिरों में आने में असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आए दिन वहाँ पे कुछ न कुछ वहाँ खालिस्तानी करते ही रहता है और जो कनाडा के जो सरकार है टूडो सरकार, वो कुछ करते ही नहीं है, लगता है कि सिर्फ आंख मूंद लिए गए हैं। इन क्षेत्र पुलिस ने भी सीधे खतरे से इनकार किया है, जबकि बताया जा रहा था कि पुलिस वहां थी और पुलिस जो कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई कर नहीं रही थी, बल्कि उल्टा जो इंडिया के लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं वहां पे जो टेंपल में थे, उस पर कार्रवाई किया जा रहा था। फिर क्षेत्र पुलिस ने जवाब में स्पष्ट किया कि पूजा स्थलों के खिलाफ कोई विशेष खतरा नहीं मिला है, कोई विशेष खतरा ही नहीं मिला, जबकि वहां पे पकड़ा पकड़ी मारा मारी हो चुका है और बोल रहे खतरा ही नहीं है, विशेष खतरा। उन्होंने समुदाय की चिंताओं को स्वीकार किया और जनता को आश्वस्त करने के लिए धार्मिक स्थलों पर पुलिस की बढ़ती उपस्थितियों का उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त पुलिस ने कहा कि वे बढ़ते तनाव को कम करने के लिए सामुदायिक नेताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं और काउंसलर कार्यक्रमों को स्थगित करने का सुझाव दिया है। त्रिवेणी मंदिर की घटना 3 नवंबर को हुई एक समान व्यवधान के बाद हुई, जब खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों की ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में मंदिर
और भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों के साथ झड़प हुई थी। इस जारी अशांति ने खालिस्तान समर्थक सक्रियता और सामुदायिक सुरक्षा से निपटने के कनाडा के तरीके का प्रकाश डाला। भारत सरकार ने कनाडा में अपने नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की है, जो वहाँ पे हुआ है, जो वहाँ पे हिंदू लोगों को मारा गया है। पहले हफ्ते भारत के विदेश मंत्रालय ने हिंदू पूजा स्थलों पर हमलों की निंदा की, कनाडा के अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की है। मंत्रालय ने इस उम्मीद पर जोर दिया है कि हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों को कानूनी परिणाम भुगतने होंगे, जो वो किए हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। कानून सजा में जो है, कनाडा और भारत के बीच यह तनाव पिछले सितंबर के तब से चल रहा है, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी अलगाववादियों हरदीप सिंह निज्जर की मौत में भारत सरकार की संभावित शामिलता का आरोप लगाया था। उन्होंने कह दिया था कि यहाँ भारत सरकार मिली भी है, भारत एजेंसी यहाँ मिला हुआ है। भारत ने इन आरोपों का स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। उन्होंने बेतुका करार दिया, कनाडा के नागरिक निज्जर को भारत के आतंकवादी घोषित किया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ निज्जर को है, बहुत सारे जो यहाँ खालिस्तानी लोग है जिसको भारत यहाँ पे टेरे घोषित कर चुका है, और वो लोग जो है खालिस्तानी टेररिस्ट, वो लोग आराम से वहाँ पे रह रहे हैं कनाडा में, कोई उसको दिक्कत नहीं है। और ऊपर से वहाँ जो रह रहे हैं लोग है उसको बोल रहे हैं कि आप यहाँ से बाहर जाइए, जबकि कनाडा के आधिकारिक स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और सामुदायिक नेताओं के साथ जुड़ रहे हैं। कड़ी कार्रवाई की मांग बढ़ रही है। जनता का दबाव कनाडा और भारत दोनों सरकारों पर है कि खालिस्तान समर्थक समूह और अन्य कनाडाई समुदायों के बीच चल रही शत्रुता से उत्पन्न जोखिमों का सावधान करें। डेनियल बोर्डमैन ने इससे पहले भी खालिस्तानी के मुद्दे पर जस्टिन ट्रूडो को घेरा है। बता दें कि डेनियल बोर्डमैन ने इससे पहले भी खालिस्तानी के मुद्दे पर जस्टिन ट्रूडो को घेरते हुए आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि जस्टिन ट्रूडो और उसकी सरकार को कनाडा के सुरक्षा की परवाह ही नहीं है, क्योंकि आए दिन वहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है और लगता है कि सरकार सिर्फ आंख मूंद लिया है। वो लोगों को लगता है कि खालिस्तानी कुछ करते ही नहीं है, जबकि इतना फूटेज सामने आ रहा है। चरमपंथी गतिविधियों ने देश भर के समुदायों को तेजी से खतरे में डाल रहा है। हमारी सड़कों पर जिस तरह के मार्च हुए हैं वे डराने वाले हैं। कानून का पालन करने वाले कनाडाई लोगों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार हो रहा है, जबकि उग्रता फैलाने वाले बचकर निकल जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से सारा कुछ समझ में आ गया होगा, इसलिए जो है यहाँ पे खालिस्तान के इशू जो है, ये अभी देखिए वीडियो जो है ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि वो जो वहां से जन्म लिए हुए हैं, जिसका देश है अपना खुद का देश, वो लोग को ये खालिस्तानी बोल रहे कि आप लोग यहाँ से छोड़ते जाइए, ये कनाडा जो है खालिस्तानियों का है, आप लोगों का नहीं है। और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, कनाडाई लोगों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर किया जा रहा है, जो कानून का पालन करते हैं, और जबकि जो उग्रता फैलाते हैं, अलगावादी फैलाते हैं खालिस्तानी, उन लोगों पे कोई कार्रवाई किया ही नहीं जा रहा है ट्रूडो सरकार की तरफ से। ट्रूडो सरकार जो है खुल के खालिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। नमस्कार, नाउ गो बैक टू यूरोप, इंग्लैंड, खालिस्तानीज इन कनाडा टेल कनेडियंस टू लीव द कंट्री। अभी देखिए ये न्यूज जो है बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, ये सारे न्यूज चैनल अभी से इस टॉपिक पे अभी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक वीडियो जो है वो रिलीज किया गया है, यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है कनाडा में, यहाँ खालिस्तानी जो है यहाँ मार्च कर रहे थे, और वो जो ब्लॉगिंग किया गया है, वो वीडियो जो आया है उसमें बोला जा रहा है कि यहाँ कैनेडियंस में सिर्फ यहाँ खालिस्तानी ही लोग रह सकते हैं, बाकी जो यूरोप इंग्लैंड जो गोरे लोग वो वापस चले जाएं यूरोप इंग्लैंड, ये सिर्फ खालिस्तानी इसका कंट्री है। इसी बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। खालिस्तानी चरमपंथियों ने अब कनाडा के लोगों को बनाया निशाना, कहा यूके और यूरोप वापस जाओ, वीडियो वायरल हुआ है।